श्री गंगानगर से लेकर प्रतापगढ़ तक संपूर्ण राजस्थान को कवर करते हैं हम। राजस्थान की हर खबर देखते रहिए डीपीके न्यूज पर। प्रधानमंत्री मोदी के तेलंगाना के दो दिवसीय दौरे के दूसरे दिन पीएम मोदी कई योजनाओं की सौगात दी, जिसमें नागरिक उड्डयन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया। मोदी मंगलवार को हैदराबाद से 60 किलोमीटर दूर संगारेडी में 6,800 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट का उद्घाटन और शिलान्यास किया और एक रैली को भी संबोधित किया। ये प्रोजेक्ट सड़क, रेल, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से जुड़े हैं। पीएम हैदराबाद में नागरिक उड्डयन अनुसंधान संगठन केंद्र का उद्घाटन करेंगे। इसके अलावा वो 3 नेशनल हाईवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे। गुलाबी नगरी जयपुर के राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर में 6वें बीज एक्सपो 2024 का आयोजन किया। बीएनआई जयपुर के एक्सक्यूटिव डायरेक्टर अक्षय गोयल ने बताया कि बीज एक्सपो अपने तरह का एक खास इवेंट है। बीएनआई अलग अलग तरह से बिजनेस को एक प्लेटफॉर्म प्रदान करता है। बीज एक्सपो में 150 से अधिक स्टॉल्स लगाई जाएगी। इसमें बिजनेस प्रोफेशनल अपने बिजनेस और सर्विस से जुड़ी जानकारी देंगे। एक्सपो में 1200 से अधिक एंटरप्रेन्योर से जुड़ने और चर्चा करने का अवसर मिलेगा। वहीं नीलम मित्तल ने बताया कि बीज एक्सपो मल्टी बिजनेस कैटेगरी शो है। इसमें मार्केटिंग, इंफ्रा, इंटीरियर, हेल्थ वेलनेस और वेडिंग इवेंट, कंस्ट्रक्शन, वास्तु, ज्योतिष, हैंडीक्राफ्ट, आईटी, पीआर, फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट और ट्रेवल टूरिज्म और होटल, हॉस्पिटलिटी, मैन्युफैक्चर, एक्सपोर्ट, ज्वेलरी, फैशन आदि से जुड़ी स्टॉल्स यहाँ देखने को मिलेगी। बीज एक्सपो राजस्थान का सबसे बड़ा B2B इवेंट है और BNI एक ग्लोबल संस्था है जो कि 80 कंट्रीज और 130 शहरों में है। BNI जयपुर 6 साल से कार्यरत है। हमारे BNI जयपुर के मेंबर्स करीब 1200 हैं और उसमें से करीब 150 लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एग्जिबिट कर रहे हैं। ये करीब 6 साल से चूँकि हम कर रहे हैं, इस बार RIC में 15, 16 और 17 मार्च को इस वेन्यू पे कर रहे हैं हम लोग। और चूंकि ये B2B इवेंट है तो करीब 10,000 क्वालिटी B2B कस्टमर, वेंडर, जो भी हमारे BNI मेंबर्स के स्टेक होल्डर्स है वो यहाँ पे होंगे। करीब 50 से ज़्यादा ट्रेड एंड इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस, अगर इंडस्ट्रियल एसोसिएशंस की बात करें तो विश्वकर्मा है, सीतापुरा है, मानसरोवर है, मालवीय नगर है, 22 गोदाम है, बगरू है। अगर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस की बात करें तो CII है, 40 है, SOCHM है, इस तरीके के बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस है। प्रोफेशनल एसोसिएशंस की बात करें तो CA है, एडवोकेट्स हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कंपनी सेक्रेटरीज हैं, इस तरीके के हैं। और उसके अलावा बहुत सारे बाजार एसोसिएशंस हैं। अगर इंफ्रा की बात करें तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स, IIID, उस तरीके की संस्था है। तो सारे जो प्रोमिनेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इसका हिस्सा बनते हैं हर साल और बाकी सब स्पॉन्सर्स का साथ है। इसके अलावा जो है राजस्थान में हमारा जो BNI है, उदयपुर में है, जोधपुर, कोटा, वहाँ के मेंबर्स आएंगे और जो इंडिया में दूसरे दिल्ली है, अपना नॉर्थ इंडिया है, साउथ इंडिया है, वहाँ से लोग आएंगे। तो पहले मैं आपके पहले सवाल का जवाब दूंगी। इस एक्सपो और अनादर एक्सपो में ये डिफरेंस है कि हर एक्सपो एक सब्जेक्टिव मैनर में होता है, बट ओनली BNI का एक्सपो ऐसा है जो कि जन्म से परन और परन से मरण तक की जितनी भी आवश्यकताएं की जो वस्तुएं हैं वो आपको इस प्लेटफॉर्म के थ्रू, मेंबर्स के थ्रू, ट्रस्टवर्दी मेंबर, सबसे बड़ी बात होती है कि आपका ट्रस्ट कैसे आता है। अगर मैं आपसे डेली मिल रही हूँ तो डेफिनेटली हम दोनों की एक बॉन्डिंग क्रिएट होती है और यही मेंबर यहाँ पे करते हैं और उसके थ्रू एक दूसरे को रेफर देते हैं। सेकेंड बात कि ये अनादर एक्सपो से इसलिए डिफरेंस है कि केवल BNI जयपुर के लोगों के लिए नहीं है, ये स्प्रेड है 80+ कंट्रीज में। तो अगर राजस्थानी का कोई भी व्यापारी आउट ऑफ कंट्री में कनेक्ट होना चाहता है, वहाँ जाके व्यापार करना चाहता है या ट्रस्टवर्दी के पर्सन के थ्रू अपने व्यापार को एक्सप्लोर करना चाहता है, तो BNI से अच्छा प्लेटफॉर्म नहीं है क्योंकि टाइम टेकन प्रोसेस नहीं है, आपका रिलायबल आदमी आपका इंतज़ार कर रहा है इंटरनेशनली मार्केट में। तो ये एक्सपो नेशनली, इंटरनेशनली आपको एक ट्रस्टवर्दी प्लेटफॉर्म
प्रोवाइड कराता है और लोगों से कनेक्टिविटी इजी गोइंग गो थ्रू एक हमारा BNI कनेक्ट है उसके थ्रू कनेक्ट होने के चांस प्रोवाइड करवाता है। राजधानी जयपुर में डॉक्टर वेलफेयर सोसाइटी की ओर से महिला डॉक्टर्स को खेल के मैदान पर उतारने की तैयारी हो चुकी है। इनके लिए रविवार से जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी में वुमेन डॉक्टर प्रीमियर लीग आयोजित की जा रही है, जिसमें राजस्थान की महिला डॉक्टर्स मैदान में चौके छक्के मारते हुए नजर आएगी। वुमेन डॉक्टर प्रीमियर लीग की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर रिमी शेखावत ने बताया कि इस वर्ष की लीग में करीब 100 डॉक्टर्स पार्टिसिपेट कर रही हैं। इनके दो ग्रुप में 6 टीमें बनाई गई, जिनके बीच 10 दिन के टूर्नामेंट में 9 लीग मैच आयोजित कराए जाएंगे। लीग में टॉप 2 टीमों के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा। रिमी शेखावत ने आगे बताया कि इस बार डॉक्टर वुमेन प्रीमियर लीग का यह 16वां संस्करण है। पिछले 15 वर्षों से हर बार अलग थीम पर यह लीग आयोजित की जा रही है। इस बार की लीग का थीम स्वाइकल कैंसर अवेयरनेस रखी गई है। लीग के 10 दिनों में स्वाइकल कैंसर से बचाव, इसके बारे में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए कई सोशल एक्टिविटीज आयोजित की जाएगी। सिक्सटीन्थ सीजन ऑफ वुमेन डॉक्टर्स प्रीमियर लीग का आगाज़ हम लोग कर रहे हैं और इसके अंदर हमारा जो इस बार का थीम है वो है सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस। और इस बार हमारे सबसे ज़्यादा रिकॉर्ड तोड़ रजिस्ट्रेशंस हुए हैं। 125 महिला डॉक्टर्स जो कि जयपुर से और कुछ बाहर से भी हैं वो इस पूरे सीज़न में पार्टिसिपेट कर रही हैं और कम से कम भी ये 2 सप्ताह चलने वाला सीज़न है। हर बार हम लोग इसको सोशल कॉज के साथ में लेके आते हैं। इस बार इंटरनेशनल विमेंस वीक के अंदर हम लोगों ने इसकी शुरुआत करी है और सबसे ज़्यादा हमने क्रिकेट को चुनने की एक ही वजह ली है कि हर टीम में कम से कम भी मिनिमम 13 खिलाड़ी होते हैं, जिससे हम एक ही मैच में काफ़ी लोगों को एक साथ जोड़ सकें। तो हम सभी मिलके, क्रिकेट तो एक बहाना है जिसके अंदर हम लोग डी-स्ट्रेस होते हैं, फिटनेस भी हमारी अच्छी होती है, बॉन्डिंग भी अच्छी होती है और हम लोगों का एंटरटेनमेंट भी होता है, पर साथ ही साथ सोशल जितने भी अच्छे मुद्दे हैं जो कि पब्लिक को अवेयर करने के लिए हैं, उसके लिए हमारा आपसी मंथन भी होता है, हमारी आपसी प्लानिंग भी होती है। और हर बार की तरह इस बार हम लोगों ने सर्वाइकल कैंसर वैक्सीन और उस सर्वाइकल कैंसर के स्क्रीनिंग प्रोग्राम के लिए हमने पूरा का पूरा एक प्लान और खाका तैयार किया है। कब से कब तक चलेगी लीग और एक महिला भी है तो कितना मुश्किल हुआ समय निकालने के? सर, महिलाओं के हिसाब से ये समय बहुत मुश्किल है। हम लोगों ने, जैसे अभी मैंने आपको बताया कि हमने अपना सीजन का आगाज तो कर दिया है, पर ये बच्चों के एग्जाम्स का भी टाइम है, बोर्ड के एग्जाम्स भी चल रहे हैं, तो ये बहुत ही मुश्किल टाइम है हमारे लिए। इसीलिए हम लोगों ने जो खेलने का समय है सवेरे रखा है कि सवेरे 6:30 to 9:00। अच्छा, सभी गवर्नमेंट जॉब में है क्योंकि ये लीग वीकडेज पे भी है, सैटरडे संडे के अलावा, तो दोनों सब तरफ एक ढंग से हम उसको मल्टीटास्किंग करते हुए, जगल करते हुए सब चीज़ें मैनेज कर रहे हैं। जयपुरिया क्रिकेट एकेडमी में हम लोगों की मैच, इस लीग की शुरुआत है और कल 3 मार्च से हम लोग शुरू करने वाले हैं और ये हम लोग 17 मार्च को ख़त्म करेंगे। मैम, आपने कहा कि 125 महिलाओं ने रजिस्ट्रेशन कराया, तो चुनाव का तो क्या प्रोसेस है, नए लोग जुड़ रहे हैं? देखिए, हर बार मैंने आपको बताया कि 16 साल में निखरते जा रहे हैं। अच्छा, आज जैसे होता है ना कि सीनियर खिलाड़ी हैं वो रिटायर हो जाते हैं, नए खिलाड़ी वापस आते हैं, तो जो हमारी जिन्होंने शुरुआत करी थी आज के 16 साल पहले, ऑब्वियसली अब आज वो 50 पार कर गई हैं, तो वो हम लोगों के लिए एक ढंग से पेट्रन्स हो गए हैं और वो हमारे कोच भी हैं। और नई गर्ल्स हैं जो एक सीज़न में खेलती है, पर वो जज्बा इतना ज़बरदस्त होता है कि वो, मेरा मानना है कि साल भर अपने बच्चों के साथ खेलते खेलते ही बहुत अच्छी खिलाड़ी बन जाती हैं। सूरतगढ़ में नवनियुक्त सिटी थानाधिकारी सुरेश कुमार कस्वा ने पदभार ग्रहण किया। सुरेश कुमार कस्वा पहले भी सूरतगढ़ क्षेत्र के राजियासर थाना प्रभारी रह चुके हैं। कस्वा ने NDPS के मामलों में सख्त कार्रवाई की है, राजियासर थाना प्रभारी रहते भी क्षेत्र में आमजन की रक्षा की है। कासगंज से खबर, जहां शहर के चांडी रोड चौराया स्थित द्वारकापुरी कॉलोनी में बीती रात अज्ञात चोरों ने बंद घर के ताले तोड़कर हजारों रुपए की नकदी सहित लाखों जेवरात चोरी किए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मौके का निरीक्षण किया। गृहस्वामी ने अज्ञातों के विरुद्ध पुलिस को तरहीर दी। आपको बता दें, कासगंज के द्वारकापुरी कॉलोनी निवासी राजकुमार पुत्र नौवत सिंह अपना घर बंद कर 29 फरवरी की शाम शादी समारोह में नगला रमपुरिया गए हुए थे।
खबरगंज डिडवारा से जहां मनोज कुमार उर्फ रिंकू वार्ड नंबर 2, सलीमन प्रतिनिधि अलकमा वार्ड नंबर 4 और साना प्रतिनिधि शादत वार्ड नंबर 5 सहित सभी वार्ड के गणों ने बोर्ड मीटिंग का बहिष्कार किया। सभासदों के बताए हुए कार्य व बोर्ड मीटिंग में प्रस्तावित पास हुए कार्यों को भी नहीं कराया गया। पहले उन कार्यों को कराया जाए, उसके बाद दूसरी बोर्ड मीटिंग करवाई जाए। बाड़मेर के सेडवा से खबर, जहां किसान जिनको धरती पुत्र कहा जाता है क्योंकि वो धरती का सीना चीरकर अन्न उपजाता है और वो किसान अपने सपने ही बुनता रह जाता है क्योंकि सपना हकीकत में बदलने को होता है, तो कभी राम रूठ जाता है तो कभी राज। थोड़े दिन पहले खेतों में छाई हरियाली देख किसान खुशियां मनाने को सोच रहे थे। पहले अरंडी की फसल में पाला पड़ने से देखते ही देखते खेत खाली हो गए, लेकिन किसानों ने गत साल जीरे के भावों के उछाल को देखते हुए किसानों ने इस बार लाखों रुपए कर्ज लेकर जीरे की बंपर बुवाई की, लेकिन ज्यों ही कौपले खिलने लगे प्रकृति ने फिर अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू किया। बेमौसमी हवाएं और चरमा जैसे रोगों से फसल हांफने लगी और रही सही कसर रात की बारिश ने पूरी कर दी। इस बेमौसम की बारिश और ओलों के कहर ने जीरा इसबगोल और अरंडी की तैयार फसलों में बहुत ज्यादा नुकसान किया। कहीं खड़ी फसल तो कहीं कटकर रखी फसल को बर्बाद कर दिया। किसानों ने हाड़ कंपा देने वाली सर्दी में सिंचाई करके पिछले 5 माह से मेहनत कर खेतों में जो मेहनत की और उम्मीद की थी इस बार कुछ अच्छा होगा, लेकिन एक बार फिर प्रकृति ने मार किसानों को खून के आंसू बहाने पर मजबूर कर दिया। दनाऊ क्षेत्र में आई देर रात्रि को तेज अंधड़ और बारिश से किसानों की काफी फसलें तबाह हो चुकी है। आज आपने दनाऊ क्षेत्र के काफी दर्जनों गांव में आपने निरीक्षण किया है, कहां का किया और क्या कितना जीरा इसबगोल अरंडी की फसलों को नुकसान पहुंचा है, थोड़ी अपडेट दीजिए। रात को जो 1 तारीख की रात को, मध्य रात्रि को और 2 तारीख आज की जो सुबह है, बेमौसम बारिश अदड़ और ओलावृष्टि की जो स्थिति बनी, देर रात को ही हमने संबंधित पटवारियों को सूचित करके मैसेज के जरिए कह दिया था अपने क्षेत्र में सर्वे करने के लिए। और अपने क्षेत्र में रबी की फसल जो जीरा और इसब है, इसमें इस बेमौसम बारिश से नुकसान की संभावना रहती है, तो हमने एक प्रारंभिक तौर पर मैंने खुद ने भी आंकलन किया है। आज काफ़ी गांवों का कितनूरिया, वाडों का तला और बूणिया, नवातला राठौड़ान और गोरा तला और दनाऊ, उस क्षेत्र में मैंने खुद ने भी फसलें देखी है और पटवारियों को भी मैंने निर्देशित कर दिया है 2-3 दिन के अंदर हमारे पास फैक्चुअल वास्तविक स्थिति आ जाए। धनाऊ तहसील से खबर, जहां मुख्यालय के राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय में छात्र राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद के निर्देशानुसार शिक्षा विभाग बाड़मेर व सीबीओ कार्यालय के तत्वाधान में चल रहे 7 दिवसीय रानी लक्ष्मीबाई बालिका शिक्षा सशक्तिकरण गैर आवासीय शिविर ट्रेनर तबसुम कुरेशी व पप्पू चौधरी ने बताया कि इस गैर आवासीय प्रशिक्षण शिविर में 77 संभागियों को आत्मरक्षा के लिए पंच, अटैक, किक व बचाव संबंधी कौशल सिखाए जा रहे हैं। आत्मरक्षा शिविर जो चल रहा है दनाऊ स्कूल में, शिविर में क्या क्या गुर सिखाते हो आप? शिविर के अंदर हम पंच, ब्लॉक्स और काथा हमने सिखाया है, जो बच्चियों के मानसिक और भावात्मक विकास को बढ़ाने के लिए। इसमें तहसीलदार साहब दनाऊ ने 2 बार आके निरीक्षण किया और उन्होंने सारी व्यवस्था को सही पाया और जो जितने भी प्रशिक्षण लेने आए उन्होंने अपने पूरे मन से इस प्रशिक्षण को सीखने का प्रयास किया। कितनी एक्टिविटीयां करवाते हैं मैडम शिविर में? हम रोज कम से कम 4 एक्टिविटी करवाते हैं, फिर उनका रिवीजन करवाते हैं। शाम के टाइम हमारे जो इंडोर क्लासेज होती है उसके अंदर हम मार्शल आर्ट के गुर सिखाते हैं। आबू रोड से खबर, जहां रीको थाना क्षेत्र के सियावा व सरपगला के बीच राजस्थान रोडवेज की बस अनियंत्रित होकर पलट गई। दुर्घटना में करीब 1 दर्जन से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे के आसपास बस पलटी। सूचना पर रीको थाने के SI राम अवतार टीम के साथ मौके पर पहुंचे। उन्होंने बताया कि करीब 15 से 20 लोग घायल हुए, जिनके हाथ, पैर व सर में चोट लगी है। राजस्थान समृद्ध विरासत है, इसकी शान, रंग बिरंगी पहचान, अलवर